चित्रकूट में भीख मांगने वाली नाबालिग के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने हाथ पैर बांधकर दरिंदगी की, दो गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सतना जिले के चित्रकूट में एक नाबालिग बच्ची के साथ हाथ पैर बांधकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक चित्रकूट थाना अंतर्गत कामतगिरी परिक्रमा पथ पर भीख मांगकर गुजारा करने वाली एक नेत्रहीन महिला की नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कृत का शर्मनाक मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ यह हैवानियत परिक्रमा पथ में ही घूमने वाले दो लोगों ने की। पुलिस ने राजेश पटेल और राकेश पटेल नामक दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। नाबालिग कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, वह रह रहकर रो रही है। पीड़िता की मां नेत्रहीन है और परिक्रमा पथ में होने वाले भंडारों से भोजन लाकर अपना तथा अपनी बेटी का गुजारा करती है। पीड़िता के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है। बताया जाता है कि परिक्रमा पथ में अपनी नेत्रहीन मां के साथ रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग गुरुवार की दोपहर अचानक लापता हो गई थी। उसकी मां उसे दिन भर तलाशती रही। रात में रोती बिलखती पीड़िता अपनी मां के पास पहुंची। उसने मां को घटना की जानकारी दी और बताया कि उसके हाथ पैर बांधकर दरिंदों ने उसके साथ हैवानियत की। मामला शुक्रवार को चित्रकूट पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों संदेही युवकों को हिरासत में ले लिया है। दोनों आरोपी भरतकूप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और परिक्रमा पथ में चाय की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है, वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। पुलिस उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।